जब मुझे होश आया तो कुछ मशीनों की बीप करती हुई आवाज मेरे कानों में पड़ रही थी। मैं पूरी तरह अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे बदन का भार पलकों पर आ गया हो और वो हमेशा के लिए सो जाना चाहती हूँ। कुछ पलों के लिए पलके खोलने भर में ही मेरी सांसें तेजी से दौड़ने लगी थी। शायद बहुत जल्दी थी उन्हें मुझे छोड़कर आगे निकल जाने की। एसी के अनुकूल वातावरण में भी मुझे पसीना आने लगा और सांसें उखड़ने लगी, तो एहसास हुआ कि मैं वेंटिलेटर पर था और सांसें ऑक्सीजन की मोहताज। बोझिल पलके फिर से बंद होती उससे पहले ही नजर सामने मॉनिटर पर पड़ी और धुंधली सी झलक में पाया कि ऑक्सीजन हाई फ्लो पर था और SpO2 लेवल फिर से गिरने लगा था। अगले ही पल मेरी आंखें फिर से बंद हो गई। कुछ ही देर में मैंने अपने आप को कुछ डॉक्टर्स से बातें करते सुना। मैं सब कुछ सुन पा रहा था लेकिन शरीर में इतनी भी जान नहीं थी कि आंखें खोल पाऊं। मुझे पता चला कि मैं कोविड की सीवियर स्टेज पर था। मेरा चेस्ट CT सीवियरिटी स्कोर पीक पर था। डॉक्टर्स कह रहे थे कि मुझे किसी तरह बचा ही लेंगे, हालांकि उनके पास कोविड के लिए कोई दवाई नहीं थी और यह तो सबको पहले ही पता था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं तो बेजान सा बिस्तर पर पड़ा था, फिर वो कौन था जो मुझे अटेंड कर रहा था। वो बहुत परेशान था, डॉक्टर्स की लिखी दवाइयां भी बाजार में नहीं मिल रही थी। मैं सुन पा रहा था उसे बार बार फोन पर और डॉक्टर्स से बातें करते हुए। उसकी बातों से मुझे पता चला कि मैं पिछले 3 दिन से बिना बेड के हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। और न जाने किस किस को कितने कॉल्स और अप्रोच लगाने के बाद आज सुबह ही ICU में एडमिट हो पाया था। इस बीच परिवार के कुछ लोग कोविड से जंग हार कर इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे, जिनका अंतिम संस्कार भी हॉस्पिटल स्टाफ ने ही किया था। जो मुझे अटेंड कर रहा था उसको भी डॉक्टर मेरा ही नाम लेकर बुला रहे थे। वो पिछले 4 दिनों से सोया नहीं था और उसे भी कोविड के सिम्टम्स आ रहे थे, लेकिन अपना टेस्ट करवाने से डर रहा था। कहीं अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो उसका क्या होगा जो पहले से ही वेंटिलेटर पर था। एक और मैं था जो ICU के बाहर था। वो कभी मेडिसिन लाकर देता तो कभी कभी ब्लड सैंपल की रिपोर्ट। वो ICU में अंदर नहीं आ रहा था क्योंकि उसे बाहर ही रहकर बाकी सारे काम करने थे, लेकिन वो जब भी आता मैं उसके हांफने की आवाज दूर से ही वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ भी सुन पा रहा था। शायद वो भी कोविड पॉजिटिव हो चुका था। तभी अचानक से मेरी पल्स गिरने लगी और मॉनिटर से आती बीप की आवाज तेज हो गई। अचानक से ICU में बहुत सारे डॉक्टर्स इकट्ठा हो गए। ना कोई मेरे साथ अंदर था ना कोई बाहर था, वहां सिर्फ मैं ही था अकेला। इससे पहले कि कार्डियक अरेस्ट से मेरी सांसें टूटती मैं हांफता हुआ उठकर बैठ गया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मैं अकेला था, मेरे पास कोई नहीं था, मैं अपने ही घर में अपने बेड पर था। ये महज एक सपना था, लेकिन बहुतों के लिए यह सपना हकीकत बनने के बाद अब कहानी भी बन चुका है, जिसमें ना ICU का बेड था, ना दवाइयां, ना डॉक्टर्स और ना कोई अपना। अगर कोई था तो बस वो खुद और कोविड। उम्मीद करता हूं यह सपना आपको कभी ना आए, हाँ, लेकिन इसकी हकीकत से आप रूबरू जरूर हो जाएं।